subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hello and welcome to The Print. मेरा नाम है फातिमा खान और मेरे साथ हैं आज एक बहुत खास मेहमान कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस की चीफ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नमस्कार. हम आपसे बात करना चाहेंगे. अभी सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ऑनगोइंग जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके चलते हरियाणा सरकार ने कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी रोक दी है, मोबाइल कनेक्टिविटी जो है इंटरनेट की वो रोक दी है. और कई आक्रोश है कई लोगों में ये बात को लेकर कि ये एक तरीका है कि मोबिलाइजेशन को कैसे रोका जाए फार्मर्स को. आपको लगता है ये एक अटेम्प्ट है फार्मर्स मोबिलाइजेशन को रोकने? देखिए, ये सरकार घबरा गई है और अनाप शनाप इस तरह के ऑर्डर्स निकाल कर किसी मूवमेंट को, किसी आंदोलन को आप रोक नहीं सकते. ये अपने आप से शुरू हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. और इस तरह की हरकतें आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या कोई अघोषित इमरजेंसी है इस प्रदेश में और हर रोज़ आप बढ़ा रहे हैं? क्या बहाना है? आम लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको कितनी दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को. सारा कारोबार जो है ऑनलाइन चलता है, बैंकिंग है, सब कुछ है, इंटरनेट. एक तरफ आप कहते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, तो लोगों का कारोबार, सरकार का कामकाज, आम लोगों की, बच्चों की शिक्षा, ये सभी प्रभावित होते हैं. ये सरकार क्या समझती है? अभी तक क्या इंटरनेट के कारण ये लोगों की भावनाएं हैं जिन्हें ये समझ नहीं पा रहे और इस तरह के ऑर्डर्स देकर ये दिखा रहे हैं कि ये खुद कितने घबराए हुए हैं. आपको लगता है इससे कुछ फार्मर्स मोबिलाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये किसानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है. और किसान के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं, तो जब तक आप वो ख़त्म नहीं करेंगे तो किसान कैसे बैठ पाएगा? मैम, आप जो हैं कई बार सिंघू बॉर्डर भी गई हैं, तरह तरह के फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर बॉर्डर पे, उस पर आपने जाके विजिट किया है. लेकिन ये फार्मर्स ने खुद कई बार बोला है कि हम चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये प्रोटेस्ट अलाइन ना हो. और कांग्रेस पार्टी ने भी एक पोजीशन ली है कि हम अलग से अपना एक पैरेलल प्रोटेस्ट रन करेंगे जंतर मंतर में, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे. आपको लगता है फिर कि पॉलिटिकली इलेक्टोरली जो है अपोजिशन कैसे इस इन प्रोटेस्ट पर कैपिटलाइज कर पाए? देखिए, ये एक गलत धारणा है कि कैपिटलाइज करना, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है कि ऐसा प्रोटेस्ट हो और उसमें राजनीतिक फ़ायदा कोई देखे. ये गलत सोच होगी. कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीतिक फ़ायदा नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है. और हमने इन तीनों जो ये काले कानून लेकर आए हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपनी स्थिति स्पष्ट की हुई है. और हमारा जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो हमारे लगातार चलते जा रहे हैं, अभी भी चलेगा, पूरा फरवरी भी चलेगा. तो ये एक अलग चीज़ है और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को फ़ायदा नुकसान देखना चाहिए. फ़ायदा नुकसान अगर हम देखें तो केवल किसान का देखना चाहिए. राजनीति की बात अलग है, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम अपना राजनीतिक कार्यक्रम भी करते रहेंगे. हरियाणा में जो है जो जेजेपी बीजेपी की सरकार है उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है. कुछ जेजेपी एमएलएज कई बार जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट के प्रो जो है स्टेटमेंट्स देते रहते हैं. इसके चलते अब आपको लगता है कि कोई तरीका है कि ये जो सरकार है वो उसमें जो रिफ्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे या फिर सरकार गिर सकती है किसी तरह से? आप टच में हैं एमएलए से? देखिए, ये सरकार तो वैसे भी बैसाखियों पर खड़ी है, लड़खड़ाई रहती है. पहले दिन भी 40 आए थे मुश्किल से इनके, और पार्टियां मिलकर इंडिपेंडेंस को लेकर इन्होंने सरकार बनाई. अब ऐसी सरकार वैसे भी कितने दिन चल सकती है? और बीच में अब देखते हैं इनकी अपनी पार्टी के हों, चाहे एमएलए एमपी, चाहे सहयोगी दल के हों, चाहे आप इंडिपेंडेंस देख लीजिए, बीच बीच में सबकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, सब दुखी हैं. और ख़ास करके जो ये मूवमेंट हुई है किसान आंदोलन, बहुत से लोगों को महसूस हो रहा है कि वो गलत साइड में बैठे हैं. और जब ज़मीन पर जाते हैं तो आम लोगों के रोष का भी सामना करना पड़ता है. तो इससे तो स्थिति स्पष्ट है कि बहुत से लोग हैं जो इनसे नाखुश हैं. लेकिन अब आगे समय बताएगा, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी जिम्मेवारी पहले अपने लोगों के प्रति होती है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है. और आज अगर उनकी भावना कुछ है तो उसको उन्हें सुनना चाहिए. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्लान है पार्टी का? जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी. अभी सेशन जब होगा, बजट सेशन भी आना है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी कांग्रेस पार्टी.
हरियाणा में पिछले महीने ही लोकल बॉडी पोल्स हुए, उसमें बीजेपी जेजेपी को काफ़ी धक्का लगा और ये कहा गया कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का ही एक नतीजा है जिस तरह से ये इफेक्ट हुआ है। कांग्रेस की भी जो मेयरल पोल्स थे उसमें एक सीट सोनीपत की जो है वो पार्टी जीती, लेकिन दो नहीं जीत पाई, अम्बाला और पंचकुला। अम्बाला आपका होम टर्फ भी रह चुका है, क्या वजह रह सकती है आपको कि ये जो है इलेक्टोरली जो है ट्रांसलेट? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है, लोग बीजेपी को नहीं चाहते, कई बार लोकल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अम्बाला में भी बीजेपी नहीं जीत पाई और पंचकुला में जब सारी सरकार बैठी थी, अब मैं क्या कहूँ, स्पीकर साहब खुद वहाँ पर, हालांकि उनकी एक पोस्ट है, फिर भी वो वहाँ के एमएलए बनकर और जिस तरह से उन्होंने उसमें किया, पर वो बात छोड़ दीजिए। बात ये है कि पंचकुला भी इनकी जाती जाती रह गई, तो ऐसी बात नहीं है, लोगों का मन है इनके खिलाफ़ है। और केवल फार्म लॉज की बात नहीं है, केवल आप ये मत देखिए कि शहर या गांव की बात हो, शहरों में भी लोग इनसे उतने ही दुखी हैं, और आगे समय आएगा तब पता चल जाएगा। फाइनली मैम, कांग्रेस पार्टी में अभी आपको चल पता होगा काफ़ी महीनों से काफ़ी सीनियर लीडर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे इलेक्शंस हों, ऑर्गेनाइजेशनली पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगातार यू नो स्टेट ऑटोनॉमी की बात होती रहती है कि स्टेट को, स्टेट यूनिट को कितना ऑटोनॉमी देनी चाहिए वर्सेज हाई कमांड का कितना प्रेशर डालना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बेस्ट ये होता है जब हाई कमांड माइक्रो मैनेज करे या उनका एक हर चीज़ पे से हो, या जो लोकल लीडर्स हैं वो उभर के आएँ? देखिए, हाई कमांड कब किसको थोपता है, हाई कमांड भी वहीं स्टेट वालों में से ही चयन करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से क्या डायरेक्शन देनी है ये हाई कमांड तय करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हाई कमांड ने कभी, लोग अब ये किस तरह की बातें हैं, इलेक्ट हों ये हों उस तरह की बात आज के दिन करने का कोई औचित्य मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाई कमांड कभी भी माइक्रो मैनेज नहीं करता है, हमेशा स्टेट यूनिट्स हैं, दूसरे नेता हैं, सब मिलजुल कर स्टेट के जो नेता हैं वो कार्य करते हैं, और हाई कमांड कब इंटरफेयर करता है? हाई कमांड ने तो ऐसा कभी इंटरफेयर कभी किया भी नहीं है और ना कर रहे हैं। ये तो सभी लोगों पर डिपेंड करता है, नीचे ज़मीन पर कांग्रेस की विचारधारा के, या फिर अहदेदार हों। हरियाणा में बहुत दिनों से हमारे संगठन नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा और स्टेट्स को भी देखिए या यहाँ भी देखिए, हाई कमांड की ओर से इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर कोई ये इस तरह की बात कहे अलग अलग स्टेट्स में और आज ऐसी बातों को खड़ा करें जिससे पार्टी को आप अंदर से कमज़ोरी दे रहे हों, या भारतीय जनता पार्टी के खेल में आप हिस्सा बन जाएं, तो ये कोई आज के दिन अच्छी बात नहीं है। हम सबको मिलजुल कर एक जिम्मेवार विपक्ष का रोल प्ले करना है, और लोगों की जो उम्मीदें हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का समय है, ना कि आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाएं या एक दूसरे को नीचा दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिस फातिमा खान रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट विद मनीषा मोंडाल।